नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है रूट सिस्टम, डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। आज इसका पहला भाग है, इसमें हम नॉन वेस्कुलर टिश्यू के डिफरेंशिएशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक परिचय, जो रूट सेल्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उसमें जो इनिशियल सेल्स होते हैं प्रोमेरिस्टम के, वो कुशन सेंटर के आसपास ही प्रेजेंट होता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है कुशन सेंटर, रेड कलर से दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ के सेल बहुत ही धीमी गति से डिवाइड होते हैं और इसी के आसपास अराउंड द पेरीफेरी जो प्रोमेरिस्टम के सेल्स होते हैं, जो इनिशियल सेल की तरह कार्य करते हैं, बाकी टिश्यू उससे डिराइव होते हैं, वो इसके चारों तरफ पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं। ये इनिशियल सेल जितनी बार भी डिवाइड होता है, ये दो सेल बनाता है, एक इनर सेल और एक आउटर सेल। जो इनर सेल होता है, इनर सेल जो डॉटर सेल बनती है, वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहती है, क्योंकि वो अगले स्टेज में दोबारा एक प्राइमरी इनिशियल सेल की तरह कार्य करती है, फिर वो डिवाइड होगी, अंदर वाली सेल दोबारा मेरिस्टेमेटिक रह जाएगी और बाहरी सेल जो है, तो जो बाहरी सेल रहती है डॉटर सेल में से, वो डिवाइड होती है और डिफरेंशिएट्स इनटू वेरियस टिश्यू ऑफ द रूट। जो वेरियस टिश्यू कौन कौन से हैं, थ्री प्रिंसिपल टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट होती हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स एंड तीसरा वेस्कुलर टिश्यू। ये तीन टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट हैं। तो जो आउटर डॉटर सेल है, इनिशियल सेल के डिवीजन के बाद जो बनी है, वो डिफरेंशिएट होकर यही तीनों टिश्यू सिस्टम बनाती है और ये प्रेजेंट होती है बेसिकली फ्रॉम द रूट कैप। रूट कैप के पीछे की तरफ 350 से 400 माइक्रोमीटर पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। जो आउटर सेल्स होती हैं, जो आगे जाकर कॉर्टिकल सेल्स बनाती हैं, वो वैक्यूलेटेड होती हैं। टिश्यू वेस्कुलर टिश्यू बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, देज आर स्मॉल एंड डेंसली साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म का डेंस होता है, आकार में ये छोटी होती हैं। सबसे पहले आता है रूट कैप। रूट कैप जो होता है वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होता है एंड इन डाइकॉट्स में क्या होता है, इट अराइज फ्रॉम द सेम सेट ऑफ इनिशियल विच फॉर्म द एपिडर्मिस। जो इनिशियल सेल्स एपिडर्मिस बनाते हैं, वही इनिशियल सेल्स रूट कैप भी बनाते हैं, लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट में एक सेपरेट सेट ऑफ इनिशियल प्रेजेंट होती है, एक अलग ग्रुप ऑफ इनिशियल प्रेजेंट होता है, वो रूट कैप बनाता है। ऐसा देखा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ द रूट कैप, रूट की ग्रोथ होती रहती है, बट वो जो रूट होता है, दैट डू नॉट रिएक्ट विद द टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी किससे इसका स्टिमुलाई नहीं रह जाता उसमें, जबकि जो फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं, उसमें जो रूट एपेक्स होती हैं, वो इस फॉर्म में नहीं होते, कैप के फॉर्म में नहीं होते, वो वहां पर रूट पॉकेट्स के फॉर्म में होते हैं। इसका क्या रोल है, आउटर वॉल्स ऑफ द रूट कैप सेल्स जो होती हैं, वो म्यूसिलेजिनस होती हैं और इसीलिए जो सॉइल में जब ग्रोथ होती है रूट कैप रूट की, तो वो सॉइल के अगेंस्ट जो फ्रिक्शन है, उससे उस रूट की टिप को बचाती है। अब है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ये आपने आप सबने बहुत पहले से ही पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा एक रिवीजन है। रूट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपैरेटिवली सिंपल होता है तने की तुलना में। वजह ये कि इसमें रूट नोड्स एंड नोड और इंटर नोड्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई लेटरल अपेंडिजेस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि सेकेंडरी स्टेम एंड लीव्स वगैरह स्टेम में प्रेजेंट थी, वो यहाँ पर नहीं होता, इसलिए इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है। तीन जोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो पहले भी आपको बताई, और कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मल लेयर, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर सिस्टम और पिथ, ये प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, इट इज अ कंटिन्यूस लेयर, एक कंटिन्यूस लेयर होती है, लगातार लेयर बनी होती है, जिसके सेल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, अनक्यूटिनाइज्ड होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता। इन सम हर्बेशियस पेरिनियल्स जो होते हैं, बहुवर्षीय शाकीय पौधे जो होते हैं, जो एपिडर्मिस है दैट इज लॉन्ग लिव्ड, क्योंकि पौधा बहुत सालों तक जीता है, इसलिए एपिडर्मिस लॉन्ग लिव्ड होती है और यही मुख्य रूप से एक प्रोटेक्टिव लेयर, बचाव की तरह, बचाव लेयर की तरह कार्य करती है। द आउटर टेंजेंटियल वॉल जो होती है, सरफेस लेयर होती है, वो क्यूटिनाइज हो जाती है, क्योंकि ये बहुवर्षीय है और इसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर वॉल है दैट इज क्यूटिनाइज्ड। जो एपिडर्मिस होती है दैट इज यूजली यूनिसेरिएट, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट एरियल रूट जो होते हैं ऑर्किड्स के, उसमें आपने देखा होगा, और कुछ एपिफाइटिक एरॉइड्स मीन्स ऑर्किड्स में भी, जिसमें एपिडर्मिस मल्टीसेरिएट होती है,
कई लेयर की एपिडर्मल प्रेजेंट होती है जिसको यहाँ पर वेलामिन कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ऑर्किड्स, ये चित्र में दिखाया हुआ है। दिस इज वेलामिन, ये वेलामिन यहाँ पर कई सेल थिक प्रेजेंट होती है। जो वेलामिन होते हैं उसमें बहुत सारे नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इनमें सेकेंडरी वॉल थिकनिंग भी पाई जाती है। उसके अलावा सम स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये वो सेल्स होती हैं जिनमें स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है, बहुत ही डेंस होती है स्पाइरल थिकनिंग, और इन सेल्स को न्यूमेटोड्स भी कहते हैं। एपिडर्मिस ऑफ यंग रूट्स, जो यंग रूट्स होते हैं दैट बियर्स मेनी इनरेबल यूनिसेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं, रूट हेयर्स भी बनाती हैं ये, जबकि जो मेच्योर सेल्स होते हैं, मेच्योर रूट्स होते हैं, उनमें जो रूट हेयर्स होती हैं वो रूट एपेक्स के कुछ मिलीमीटर पीछे की तरफ डेवलप होती हैं और ये बाद में जब रूट पूरा बन चुका होता है तो रीजन ऑफ मेच्योरेशन में ये हमें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे रूट्स बड़े होते हैं, एज द रूट ग्रोस द रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन मोर मेच्योर पोर्शन ड्राई आउट। जो पुराने रूट हेयर्स प्रेजेंट थे रीजन ऑफ मैचुरेशन में जो प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं और जो नए रूट हेयर्स बनने लगते हैं आगे के क्षेत्र में, यंगर पार्ट्स ऑफ द रूट, क्योंकि रूट डेवलपमेंट के साथ जो रूट हेयर का रीजन था वो पीछे की तरफ पुश होता जाता है, उसको हम रीजन ऑफ मैचुरेशन के नाम से जानते हैं। तो आगे के लेयर्स में भी, आगे के जोन में भी नए रूट हेयर्स बनते रहते हैं। ओकेजनली रूट हेयर्स आर परसिस्टेंट, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें रूट हेयर्स जो है परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट मतलब स्थायी होते हैं, वो डेड नहीं होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं सम हर्बेशियस प्लांट्स जैसे कि यूपेटोरियम, परप्यूरियम। सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस जो कि रूट हेयर्स बनाते हैं वो कुछ हद तक जो बाकी सेल्स होते हैं सराउंडिंग के सेल्स होते हैं उससे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग दिखाई देते हैं, और उन सेल्स को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। जैसे ही वो रूट हेयर्स ओरिजिनेट होता है वो एक अलग से दिखाई देता है, ट्राइकोब्लास्ट में एक बम्प की तरह, उभार की तरह दिखाई देते हैं ऑन द एपिडर्मल लेयर्स, जिसकी में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टिप की तरफ होते हैं, जहां से रूट हेयर आगे ग्रो करेगी उस टिप पे दिखाई देते हैं। आप इसको आगे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा ट्राइकोब्लास्ट, इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, बाकी एपिडर्मल सेल से ये अलग है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा इसका, और यहाँ पर डिवीजन होता है, ये दिस इज द बम्प, ये बम्प उभार की तरह दिखाई देते हैं। ये बम्प जो होता है एक्सटेंड आगे की तरफ फैलता है एंड बिकम सेवरल मिलीमीटर्स लॉन्ग, और काफी मिलीमीटर्स लंबा हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म होती है वो एक लार्ज वैक्यूल, सेंटर में जो रूट है उसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, उसके चारों तरफ एक्सटेंड करती है साइटोप्लाज्म, दिस इज वैक्यूल। ये यहाँ पर जो कलरलेस रीजन है वहां पर वैक्यूल दिखाई गई है। तो एक थिन लेयर के फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म होती है इसी वैक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पर चित्र में है। सारे रूट हेयर्स जब बन जाते हैं तो ये जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस होता है प्लांट रूट का उसको बढ़ाते हैं। रूट हेयर्स होती है जो रूट के ऊपर वेरियस एंगल्स, जो मेन रूट है उससे कुछ एंगल्स पे भी प्रेजेंट होती है। रोल ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का क्या कार्य है, एडॉप्टेड फॉर इफिशियंट अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसको इफिशियंटली एब्जॉर्ब कर सके, अपटेक कर सके, इसके लिए अडॉप्टेड होते हैं। जबकि रोल ऑफ वेलामिन, इट इज, ये भी एक एब्जॉर्प्टिव टिश्यू है और मैकेनिकल टिश्यू भी है, मैकेनिकल टिश्यू मतलब सपोर्ट का कार्य भी करता है और एटमोसफियर्स में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, क्योंकि ऑर्किड्स के जो रूट्स होते हैं वो हवा में लटके हुए होते हैं। और सेल्स ऑफ द वेलामिन आर फिल्ड विद एयर इन ड्राई सीजन, हवा से भरे हुए होते हैं ड्राई सीजन में, लेकिन मॉइस्चर सीजन में, रेनी सीजन में फिल्ड विथ वाटर, क्योंकि ये वाटर को, मॉइस्चर को एयर में से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। न्यूमेथोड्स जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज के कार्य करते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया वेलामिन टिश्यू में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। नेक्स्ट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो होता है इसके जो सेल्स होते हैं वेरी थिन वॉल्ड, आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक मतलब लगभग सभी आर्म्स बराबर होते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। सेल्स जो होती हैं वो पेरेन्काइमेटस होती है और इसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। कॉलेनकाइमा यूजुअली तो एब्सेंट होती है लेकिन कभी कभी फाइबर्स, स्क्लेरॉइड, इडियोब्लास्ट और लेटेक्स इसमें पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में। कॉर्टिकल सेल्स में यूजुअली डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनका कार्य फोटोसिंथेसिस नहीं है,
इनका कार्य स्टोरेज होता है, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। जो सेल्स होते हैं यूजली अरेंज इरेगुलरली, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन कभी कभी इन डिस्टिंक्ट रेडियल रोज में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एवेना सटाइवा, या फिर कुछ कंसेंट्रिक लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेपेटिया। दिस रीजन इज कॉर्टेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस रीजन इज, यहां से लेकर यहां तक कॉर्टेक्स दिखाए गए। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें कॉर्टिकल रीजन में ही लार्ज एयर वैक्यूल्स या एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, और ये कैविटीज बनती हैं ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ कॉर्टिकल सेल्स। कुछ कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एयर कैविटीज बनाती हैं। ज्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें कॉर्टेक्स इज रिप्लेस्ड बाय सुबराइज सेल, कॉर्टेक्स के बदले सुबराइज सेल वहां पे बन जाता है, और ये कब होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। कई सारे जो जिम्नोस्पर्म्स एंड कुछ डाइकॉट्स में जो कॉर्टिकल सेल्स होता है उसमें रेटिकुलेट और बैंड लाइक थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और ये जो थिकनिंग्स होती हैं दीज आर लिग्निफाइड। इसके एग्जाम्पल जो डाइकॉट्स के हैं वो हैं क्रूसीफेरी एंड रोजेसी। इसी तरह से इन रेपेटिया स्पूसियाना 2 to 7 लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, दो से ज़्यादा जो कॉर्टिकल्स कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती हैं लेयर्स, एपिडर्मिस की एडजेसेंट जो होती हैं वो स्क्लीराइड्स की बनी होती हैं, हार्ड टिश्यू स्क्लीराइड्स की बनी होती हैं, जबकि इन मैनी मोनोकॉट्स एंड सम डाइकॉट्स और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी 1 to 7 सब एपिडर्मल लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट्स इनटू अ प्रोटेक्टिव एक्सोडर्मिस में बन जाती हैं। ये एक्सोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं दीज आर सुबराइज, इसकी जो वॉल होती है वो सुबराइज होती है। यहाँ एक्सोडर्मिस को यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, दिस इज एक्सोडर्मिस, दीज आर थिक वॉल्ड सुबराइज सेल, ब्लैक कलर की सुबराइज वॉल दिखाई गई है सेल्स की, और ये होता है कई सारे मोनोकॉट्स में, कुछ डाइकॉट्स में एंड जिम्नोस्पर्म में। तो जो कुछ लेयर्स जो कॉर्टेक्स की हैं वो सुबराइज हो जाती हैं और एक्सोडर्मिस बनाती हैं। इनके कार्य क्या है, रोल ऑफ कॉर्टेक्स, इनका कार्य फोटोसिंथेसिस नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, दे स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करना। कुछ सुबराइज सेल्स जो होती हैं कॉर्टेक्स में ये मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करती हैं। उसके अलावा कॉर्टेक्स में जैसे मनी मोनोकॉट्स आपने देखा डिफरेंशिएट्स इनटू प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस, एक्सोडर्मिस होता है जिसकी वॉल बहुत थिक होती है, ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है। कुछ रूट्स ऑफ सम एक्वेटिक एंड एरियल रूट्स ऑफ टिनोस्पोरा, टिनोस्पोरा इज गिलोय, इनके जो रूट्स होते हैं उसमें फ्यू लेयर्स जो आउटर कुछ लेयर्स जो कॉर्टेक्स की होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेती हैं। नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की क्या विशेषता है, ये कॉर्टेक्स को और स्टीली को अलग करने का कार्य करती है, एक तरह से एक डिलिमिटिंग लेयर की तरह कार्य करती है, एक बाउंड्री है इसके बीच में, और इसमें अ सिंगल लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है वो इसकी विशेषता है, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो एंडोडर्मिस की सेल्स के रेडियल और टेंजेंटियल वॉल में प्रेजेंट होता है। टेंजेंटियल वॉल मीन्स सरफेस वॉल एंड रेडियल वॉल मीन्स साइड वाइज एडजेसेंट वॉल जो होती है, दूसरे सेल से जो एडजेसेंट वॉल होती है उसमें, इन दोनों में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं दीज आर एंडोडर्मल सेल्स, और ये डार्क कलर की यहाँ पर ये जो पट्टियां प्रेजेंट है दीज आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये जो थिकनिंग होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लैमेला एंड दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन और लिग्निन के डिपोजिशन से ये बनती हैं, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वॉल। यहाँ पर आप इसको चित्र में यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कैस्पेरियन वॉल स्ट्रिप्स। ऐसी जड़ों में जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है वहां पर एंडोडर्मिस ज्यादातर शेड ऑफ हो जाता है, कास्ट ऑफ हो जाता है कॉर्टेक्स के साथ ही। ऐसे रूट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, प्राइमरी स्टेट में ही पूरे लाइफ लॉन्ग रूट रहता है, उसमें सुबेरिन लैमेला इज यूजुअली फॉर्म्ड ओवर द होल इनर वॉल, पूरे इनर वॉल जो है एंडोडर्मिस की उसके ऊपर सुबेरिन की लैमेला प्रेजेंट हो जाती है, वॉल बन जाती है, जबकि बाद में लेटर सेलुलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर टेंजेंटियल एंड रेडियल वॉल। उसी के जो प्राइमरी स्टेटस में जो एंडोडर्मल सेल है वो बाद के स्टेज में उसमें सेलुलोज भी डिपॉजिट हो जाती है उसके टेंजेंटियल एंड रेडियल वॉल के ऊपर।
कुछ खास तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पासिस सेल, ये क्या होते हैं? सम सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस, ऐसे सेल एंडोडर्मिस के जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज प्रोटोजाइलम, उसके अपोजिट जो सेल्स होती हैं यहां पर, दिस इज पासिस सेल, ये पासिस सेल, यहां पर ये पासिस सेल, तो ये प्रोटोजाइलम के अपोजिट जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो पैसे सेल का कार्य करती हैं। और ये कार्य, इसका पर्पस क्या है? दे अलाउ रेडियल डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर इनके द्वारा होते हुए डिफ्यूज होता है। एंडोडर्मिस की क्या रोल है? पहला, ये मैकेनिकल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करती हैं। दूसरा, इनर एक्सेसरी एपिडर्मिस की तरह कार्य करती हैं। और ये मेंटेनेंस ऑफ रूट प्रेशर के लिए भी कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है और इस तरह से रूट प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करती हैं। उसके अतिरिक्त एक एयर डैम की तरह कार्य करती है, एयर को रोकती है कि एयर अगर पैसेज के वाटर के चैनल के बीच में आ गया तो वो एक तरह से बाधा पहुंचाता है, वो ब्लॉक कर देता है एयर वाटर पैसेज को। तो इस तरह से एयर डैम की तरह कार्य करती है कि वहां पर एयर बबल नहीं आ पाए, आ सके। इस तरह से पासिस सेल जो है ये रेडियल डिफ्यूजन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। रेडियल डिफ्यूजन मीन्स होता है साइडवाइज डिफ्यूजन में हेल्प करता है। इसके अलावा रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एंडोडर्मिस इज सॉर्ट ऑफ बराज, एक बराज की तरह, बांध की तरह कार्य करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का जो लॉस है वो वहां से वैस्कुलर टिश्यू से ना हो सके, और रेगुलेट द इनफ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर का जो इनफ्लो है मिनरल्स एंड सॉल्ट सॉल्ट के साथ उसको रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट इज पेरिसाइकिल, क्या होती है? ये एंडोडर्मिस के नीचे की लेयर है बेनिथ द एंडोडर्मिस, और एक तरह से ये आउटर बाउंड्री बाउंड्री बनाता है प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर का, जो रूट में प्राइमरी वेस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होता है उसकी बाउंड्री बनाता है। इट इज यूजुअली अ कंप्लीट रिंग ऑफ सेल्स, एक कंप्लीट रिंग बनाता है, लेकिन कभी कभी होता है ये ब्रोकन पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इंटरप्टेड अपोजिट द जाइलम स्टैंड, जाइलम के अपोजिट ये ब्रोकन होता है, जैसे कि साइपरेसी एंड ग्रामिनी फैमिली के पौधे में, या फिर किसी किसी में ये फ्लोएम के अपोजिट भी ब्रोकन होता है। जनरली जो पेरिसाइकिल होता है कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा होती है और एक से ज्यादा लेयर में भी प्रेजेंट होता है। बट मल्टी सेरिएट थिक वॉल्ड पेरिसाइकिल जो है वो मुख्य रूप से सेलिक्स एंड स्माइलेक्स फैमिली के पौधे में, स्माइलेक्स स्पीशीज के पौधे में, दिस इज पेरिसाइकिल, ये यहां से लेकर यहां तक होती है। कुछ कुछ पैरासिटिक डाइकॉट्स में एंड फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स में जो पेरिसाइकिल है ये एब्सेंट होती है, नहीं होती। पैरासिटिक डाइकॉट्स एंड कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है। इन पी रूट, पी की जड़ों में इट इज वन सेल थिक अपोजिट द फ्लोएम एंड तीन से चार लेयर थिक इन अपोजिट जाइलम, जाइलम के उल्टे साइड में तो ये तीन से चार लेयर थिक होती है और फ्लोएम के अपोजिट ये सिर्फ एक लेयर थिक होती है। जो सेल डिवीजन होता है वो जो फ्लोएम के अपोजिट जो प्रेजेंट है एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल की लेयर, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, और पेरिसाइकिल डिफरेंशिएट क्वाइट अर्ली इन द हिस्टोजेनेसिस, काफी पहले बन जाता है हिस्टोजेनेसिस की प्रक्रिया में। हिस्टोजेनेसिस मतलब टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, टिश्यू को बनने की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्वाइट अर्ली, काफी जल्दी बन जाता है एंड डिराइव फ्रॉम द प्रोकैम्बियल स्टैंड, प्रोकैम्बियम स्टैंड से ही डिराइव होता है। क्या रोल है इसका? इट रिटेन्स इस मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर, मेरिस्टेमेटिक होता है, सेल डिवीजन इसमें होता है। इन रूट्स जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते वहां पर पेरिसाइकिल जो है फंक्शंस एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स, सेकेंडरी ग्रोथ जिनमें नहीं होती वो ऐसे साइट की तरह कार्य करता है जहां पर लैटरल रूट्स बनते हैं। ऐसे रूट जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहां पर कॉर कैम्बियम, इसको फेलोजन भी कहते हैं, एंड पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो पेरिसाइकिल से ही डेवलप होती है। नेक्स्ट इज वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में हम विस्तार से पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। इसके एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ कि रूट्स में जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। इसका अरेंजमेंट रेडियल होता है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दिस इज रेडियाई इज जाइलम और दूसरे रेडियाई पे प्रेजेंट है फ्लोएम।
इस तरह से ऑल्टरनेटिवली जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होती है, एक बंडल में नहीं होते। डाइकॉट सूट्स में दे आर यूजली 2 to 6 ग्रुप्स ऑफ जाइलम और लगभग इतने ही फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होंगे जो इसके अल्टरनेट होंगे, जबकि मोनोकॉट्स में दियर नंबर वेरीज फ्रॉम 8 to 20, जबकि मोनोकॉट्स रूट में 8 से लेकर 20 तक जाइलम पैचेस प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स इज एक्रोपेटल, एक्रोपेटल इसका डेवलपमेंट होता है। डिटेल स्ट्रक्चर जो है इसका हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। लास्ट जो पार्ट है दैट इज पिथ। जो पिथ होता है ये सेंट्रली प्रेजेंट होता है और ये वेरी स्मॉल एरिया में प्रेजेंट होता है, यूजुअली नहीं होता रूट्स में, एंड अगर होता है तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मेटाजाइलम वेसल इन द सेंटर, मेटाजाइलम वेसल जो है वो सेंटर में बन जाने की वजह से पिथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ओकेजनली द पिथ बिकम स्क्लेरेन्काइमेटस इन ओल्डर रूट्स, जैसे कि एग्जाम्पल है आयरिस में, दिस इज पिथ, ये लार्ज जो कैविटीज हैं दीज आर मेटाजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम और दिस इज, आप इस चित्र में दूसरे चित्र में देख सकते हैं, दिस इज प्रोटोजाइलम जो मेटाजाइलम सेंटर में होगा और प्रोटोजाइलम इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। और इस तरह से अगर मेटाजाइलम सेंटर में है तो ये एक तरह से पिथ को खत्म कर देता है और इस तरह से सेंट्रल मेटाजाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से पिथ वहां पर नहीं रह जाता। थैंक यू, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रूट सिस्टम डिफरेंशिएशन और प्राइमरी टिश्यू के पार्ट सेकंड में हम वैस्कुलर सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।